फ्रेंड्स, वैसे तो फीमेल्स को बहुत सी फिजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज हम बात करेंगे फीमेल्स के लोअर प्राइवेट पार्ट्स के बारे में। अगर यहाँ पर फंगस बैक्टीरिया हो जाए जिसमें कि खुजली होती है, जलन होता है, रूखापन आता है, दाने हो जाते हैं, बदबू या असमान डिस्चार्ज होता है, और अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो ये जानलेवा भी होती है और एक कैंसर का रूप भी ले सकती है। तो भारत में आप लोगों को पता नहीं होगा 90% फीमेल्स इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं और इसके बारे में खुल के बात भी नहीं कर पाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वी वॉश अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट है गाइस। सो गाइस, जो वी वॉश होता है ये ग्रैंडमार्क कंपनी का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली भी है। इसका छोटा साइज़ भी आपको 40-45 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं और ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इस प्रोडक्ट को एक बार यूज़ करें। यह आपकी वजाइना को साफ रखता है, खुजली नहीं होने देता, जलन नहीं होने देता, अबनॉर्मल डिस्चार्ज को रोकता है, बदबू को रोकता है, और बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं, गायनी डॉक्टर ऐसे हैं जो कि इसको सजेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि कई टीनेजर्स ऐसे हैं जो ये प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते हैं, उनको पता नहीं है या वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते, उनको इस वीडियो में हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखते हुए वो लोग इस प्रॉब्लम के बारे में जान पाएंगे। सो गाइज, ये एक प्रोडक्ट जो ऐसा है, ये जेल फॉर्म में है, साबुन की जगह पे आपने इसको यूज़ करना है। थोड़ी सी क्वांटिटी को आपने अपनी हथेली में लेना है, उंगलियों से इस तरीके से आपने इसको थोड़ा मिक्स कर लेना है, हल्का सा पानी मिला के, और आपने इसको वजाइना के बाहरी हिस्से में यूज़ करना है, वजाइना के अंदर नहीं डालना है, बाहरी हिस्से में इसको आपने यूज़ करना है। और प्लेन वाटर से अच्छे से वो वाला जो एरिया है उसको आपने धो लेना है। साबुन यूज़ ना करें। इस प्रोडक्ट को आप पीरियड्स के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी बदबू या इन्फेक्शन से आपको बचाएगा। अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल हैं, प्रेग्नेंट वूमेन हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेना है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले। और इसको सिर्फ वजाइना के बाहरी हिस्से में यूज़ करना है, अंदर इसको नहीं लगाना है। थोड़ा सा ही जेल काफ़ी होता है गाइस, बार बार इसको यूज़ ना करें। 1 या 2 टाइम में आपका जो वजाइना वाला एरिया है वो पूरी तरह क्लीन हो जाएगा, वहाँ की बदबू साफ हो जाएगी और आप इन्फेक्शन से बच पाएंगे। आपको जितनी भी फंगस रिलेटेड प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया होता है, दाने हो जाते हैं, खुजली होती है, ईचिंग होती है, इरिटेशन होती है, वो सारी प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट से दूर हो जाने वाली है। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, इकोनॉमी है, आपकी पॉकेट फ्रेंडली है, ट्रैवल फ्रेंडली है। इसको प्लीज़ आप लोग यूज़ करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, उनको इस बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में पता चल सके। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं पेपरी ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस प्रोडक्ट को ज़रूर आप यूज़ कर लेना, किसी भी केमी शॉप से आप खरीद सकते हैं। मैं इसका ऑनलाइन परचेज लिंक भी शेयर कर दूँगी, आप जाके मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिएगा। और स्टे सेफ गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे हाइजीन। थैंक यू, बाय बाय।